हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्स फ्लेवर्स किचन। आज हम बनाएंगे लहसुनी पनीर मखनी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके लिए हम लेंगे एक पैन में तेल 3-4 टेबल स्पून, इसे हम गर्म होने देंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। हमने लिए हैं कुछ खड़े मसाले, जिसमें 4-5 काली मिर्च, 4 लौंग, 1 इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और तेज़पत्ता, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। ये मैंने लिए हैं 3 अनियन, जिसे मोटा मोटा काट लिया है। 3-4 कलियाँ हम डाल देंगे लहसुन की, इसे हम थोड़ी देर सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। आप चाहे तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, पर मुझे अदरक का टेस्ट पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं डालती। अब हम डाल देंगे 3 कटे हुए टमाटर, 2 हरी मिर्च कटी हुई, 2 टेबल स्पून में डाल दूंगी काजू टुकड़ा। अब हम डाल देंगे इसमें नमक स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसे ढककर स्लो गैस पे थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे, जब तक टमाटर और प्याज थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए। हम इसे 1-2 बार बीच में हिला देंगे। हमारे टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम अपना गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने दें। हम इसे पीस लेंगे और पीस कर छान लेंगे। हमने ग्रेवी को पीस कर छान लिया है। अब हम पैन में डालेंगे 1 चम्मच तेल और डालेंगे 1 टेबल स्पून बटर। इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून कटा हुआ लहसुन। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी ग्रेवी। पिंच हम डाल देंगे ऑरेंज रेड कलर ताकि अच्छा सा बन जाए। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च, और इसे हम डाल देंगे तीखे वाले लाल मिर्च, और 1 चम्मच हम डाल देंगे गरम मसाला। लहसुन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलता है क्योंकि ये लहसुन पनीर है, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं।
इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम और इसे हिला देंगे। हमारी ग्रेवी भुन चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप पानी और इसमें बॉईल आने देंगे। ग्रेवी बॉईल होना शुरू हो गई है, अब हम इसमें डाल देंगे 400 से 500 ग्राम पनीर क्यूब में कटा हुआ। हमारा लहसुनी पनीर मक्खनी बनके तैयार है, इसे हम सर्व करेंगे एक बाउल में। और इसे सजा देंगे फ्राई किए हुए गार्लिक से।